पौड़ी में कांग्रेस के युवा नेता नितिन विष्ट के उपजिलाधिकारी आकाश जोशी के साथ हुई कासुनी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, पूर्व विधायक मनोज रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जिलाधिकारी कार्यालय में की गई थी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी आकाश जोशी को बर्खास्त करने की मांग की है। पौड़ी से मुकेश वछेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है, उनसे कहा है कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप करें और इसमें जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसको वापस लें और उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक या समुचित कार्रवाई हो। के साथ में आकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में उन्होंने उनके द्वारा जो घटना यहाँ पौड़ी तहसील में हुआ था, जिसमें SDM पौड़ी और उनके कार्यकर्ता जो कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव हैं, उनका बीच में जो एक कहासुनी हुई थी उसको लेकर अपनी बात रखी है। उनके द्वारा जो बात रखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस संबंध में न्याय उचित कार्रवाई को संपन्न किया